हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक, शिमरी आई मेकअप लुक फॉर वैलेंटाइंस डे। सो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको करना है एक काम, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रेस करें सब्सक्राइब बटन के साथ वाला बेल आइकन, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें गाइस। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उसकी डिटेल्स मैं दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। अपने फेस को मॉइस्चराइजर करना कभी ना भूलें, ज़रूर मॉइस्चराइज करें। मैं इतना सा ले रही हूँ और मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूंगी। देन मैं उसके बाद यूज कर रही हूं लोरियल बेस मैजिक प्राइमर। मैं मेकअप रेवोल्यूशन अल्ट्रा पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। यहाँ मैंने अपनी दोनों आईब्रोज को फिल कर लिया है। आई शेडो बेस के लिए यूज कर रही हूँ एलेगल प्रो कंसीलर इन द शेड क्रीमी बेज। कंसीलर को सेट कर लूंगी मैं वेट एंड वाइल्ड कंसील ब्रश की हेल्प से। कंसीलर को सेट कर लूंगी लोरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर से। देखिए मैंने अपने कंसीलर को सेट कर लिया। आई शेडो ज्यादा बाहर फैले नहीं आईज से, तो मैं इसके लिए ये टेप अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज के कॉर्नर्स पे। इस तरह से आपको अप्लाई करना। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन द न्यूड्स पैलेट। इसमें मैं ट्रांजिशन शेड के लिए ये लाइट ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर बार ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं इस आई शेडो को अपने क्रीज लाइन में ब्लेंड कर लूंगी। इसी पैलेट में से ये लिटिल बिट डार्कर ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, जस्ट क्रीज लाइन के नीचे अप्लाई करूंगी इसको मैं। अब मैं लूंगी मैट ब्लैक कलर और इसे अपने आउटर कॉर्नर्स के अप्लाई करूंगी। देखिए इस तरह से आपको अप्लाई करना है, जस्ट यहाँ पे प्लेस करना है और देन इसको ब्लेंड करना है यहीं। आपको ऐसे अप्लाई करना है अपना आई शेडो। आईलिड पे मैं अप्लाई करूंगी ये गोल्डन शिमरी शेड इसी पैलेट में से। उससे पहले मैं अपने आईलिड्स पे थोड़ा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ी आईलिड्स को, ताकि ये शिमरी शेड अच्छे से प्लेस हो सके आईलिड्स पे। देन मैं फ्लैट आई शेडो ब्रश ले रही हूँ कलर बार का, उससे मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर लूंगी।
ये देखिए गाइज, ऐसे आपको अप्लाई करना है अपने आईलिड्स पे। देन सेम मैं ब्लेंडिंग ब्रश से सब कुछ एक बार ब्लेंड कर लूंगी सारे आई शेडोज को, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। ये देखिए गाइज, ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शिमरी व्हाइट शेड। सेम व्हाइट शेड मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर लूंगी। सेम एज मैं ऐसे ही दूसरी आईज पे भी अप्लाई करके आपको मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी दोनों आईज पे आई शेडो अप्लाई कर लिया है। मैं यूज कर रही हूँ शुगर लिक्विड आईलाइनर। गाइज, यहाँ मैंने अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया। मैंने अपना आईलाइनर थोड़ा बोल्ड अप्लाई किया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग अपने आईलाइनर को थिन और थिक कर सकते हैं। मेरे फेस पे जो भी डार्कनेस और ब्लेमिशेस है उसको हाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड वार्म हनी। कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी वेगा स्पॉन्ज की हेल्प से। फाउंडेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ। फाउंडेशन को मैं अप्लाई करूँगी फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश की हेल्प से, आप स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं। Don't forget your neck. Highlighting के लिए मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड क्रीमी बेज। फोरहेड ब्रिज ऑफ द नोज। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका ब्यूटी ब्लेंडर। कंसीलर और ऑल ओवर फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर। कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट में से ये वाला ब्राउन शेड। नोज की कंटूरिंग करूंगी मैं फिंगर्स की हेल्प से।
ब्लश में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन ड्रीम टच ब्लश और मेरा शेड है 07। ये देखिए फिंगर से कितने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। हाइलाइटर में मैं यूज कर रही हूँ रेवोल्यूशन प्रो इल्यूमिनेट हाइलाइटर। वेगा आईलैश कर्लर की हेल्प से मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी। मस्कारा में मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन द क्लोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा। काजल में मैं यूज कर रही हूँ द क्लोसल काजल। काजल को स्मज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मैट ब्लैक शेड। ये देखिए गाइस यहाँ मेरा फाइनली आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। लिपस्टिक में मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन मैट लिपस्टिक और मेरा शेड है मेस्मराइजिंग मैजेंटा। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। इस लुक को कंप्लीट कर रही हूँ मैं दो लिपस्टिक शेड के साथ। आप कोई भी कैरी कर सकते हैं। एक तो है मेबलिन की तरफ से ये मेस्मराइजिंग मैजेंटा कलर पिंक शेड है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये शेड भी मुझे। और सेकंड है सिडक्शन लैस वेगस इन द शेड 07। गाइज ये मेरा फाइनल लुक विद सेकंड लिप कलर। गाइज ये था आज का मेकअप लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।